अच्छा एक एक राहत साहब, एक आपसे मशवरा करना था कि जैसे नई नई शादी होती है, जब आदमी प्यार में होता है तो उससे बादल, बरसात, बिजली भी कड़कती है, तो उसमें भी रोमांस नजर आता है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप अपनी उम्र से कम उम्र की शायरी करते हैं, इतना रोमांस कहाँ से लाते हैं राहत साहब आप? नहीं देखिए, ऐसा है कि मैंने कभी भी ये सोचकर नहीं कहा कि ये शेर मैं अशोक चक्रधर के लिए कह रहा हूँ जी, ये कपिल शर्मा के लिए कह रहा हूँ, या ये इनके लिए कह रहा हूँ या इनके लिए कह रहा हूँ। मैं दिल से कहता हूँ और छोड़ देता हूँ शेर को, जिसके काम क्या होता है वो काम कर लेकर अपने साथ चला 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 जाता है। देखिए जवानियों में जवानी को धूल करते हैं जो लोग, भूल नहीं करते धूल करते हैं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं जो लोग, भूल नहीं करते भूल करते हैं। और अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। ये जो गुजरा है किसी दिन गुजरने वाला था, गुजर गया जो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बज भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। वाह क्या बात, पछताना ना पड़े कपिल कि मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, नौजवान जितने उसमें शामिल थे इसमें भी शामिल हो जाएं तो मेरे दिल को बहुत खुशी होगी। जी जी, जी। सुने सुने के तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत शुक्रिया। एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैंने शेर पढ़ा ये अच्छा था। एक बार फिर कोशिश करता हूँ, आप तो मुझ पर यकीन मत करें, बिल्कुल मत करें, कपिल शर्मा पर यकीन करें। अगर मैं खराब शायर होता तो कपिल शर्मा मुझे बुलाते क्यों? एक आध गजल के दो तीन शेर सुनाने की हिम्मत करो। प्लीज प्लीज सर। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, ये झंझोड़ का मजा लीजिए। जी जी जी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। क्या बात। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जोड़ दूंगा उसे। साहब मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। वाह 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 वाह, क्या बात। आप सुनिएगा अशोक भाई जी, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन। आहा। उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। कपिल आपके ऊपर कुदरत ने इतनी मेहरबानी दी है कि आपका भोला चेहरा दूसरों को दुखों से निजात दिला देता है, तो ये कपिल की क्षमता है। मैं कहूंगा कि न केवल भारत में, न केवल विश्व में, बल्कि ब्रह्मांड में अगर किसी में ताकत है तो कपिल में है कि वो उनकी सारी सत्ताओं को, नक्षत्र मंडल को हंसा सकता है। कपिल एक कविता जो बहुत लोकप्रिय हुई उसका एक अंश सुनाता हूं। जी प्लीज। तो मैं खड़े होकर सुनाता हूं। जी जी सर प्लीज। वाह वाह। एक नटखट छात्र ने अपने अध्यापक श्रीमान जी को SMS भेजा। अच्छा। सर फ्राई हो गया है भेजा। अच्छा। समंदर जितना सिलेबस है,
नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। अच्छा, अध्यापक ने भी लिखा, मुझे तो तुम जैसा कोई चुल्लू में डूब के मरता नहीं देखा। चुल्लू में डूब कर मरने के मुहावरे का मजाक बनाते हो, गिलास भर नंबर के लिए हमारे आगे रिरियाते हो, बाल्टी भर बेशर्मी को पी जाते हो, नदी भर अपमान को सह जाते हो, और बाहर निकलते ही समंदर भर ठहाके लगाते हो। उन्होंने भी अपना मैसेज कर दिया सेंड। फिर कपिल से बोले, फ्रेंड ये चुल्लू वाला तो हमें खरुल्लू बनाता है, लेकिन अफसोस उसका होता है जो डिप्रेशन में आके, अवसाद में आके प्राण गंवाता है। माता पिता करते हैं जरूरत से ज्यादा उम्मीद, बच्चा हो जाता है व्यर्थ में शहीद, ऐसा तो हरगिज 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 ना हो। कपिल अब तुम भी तो कुछ कहो। क्या बात, वाकई बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है। जी जी, बहुत ज्यादा रहता है। और अब तो काफी सुधर गए हालात सर, फिर भी हालात सुधरे हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनमें कि रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है। जी, एक कविता और सुना देता हूँ जी। इन बच्चों के लिए मैं क्या बनना चाहता हूँ जो अवसाद में आ जाते हैं, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। ऊंची ऊंची लंबी लंबी पिंग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झूठा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम। लंबी लंबी पींग भरोगे, बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झूठा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम, मैं नभ में ले जाऊंगा फिर धरती पर लाऊंगा, जिसको सुनकर खूब हंसोगे ऐसे गाने गाऊंगा। वाह, आंसू के दलदल में दुनिया नाहक आग बबूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है। आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला। क्या बात है सर। राज साहब, अशोक जी, आपसे एक सवाल था कि जैसे लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, आप अलग अलग जगहों पर जाके आप मुशायरा करते हैं, अपनी कविताएं पढ़ते हैं, कभी ऐसा हुआ किसी ने बुलाया बड़ी इज्जत के साथ हो, पूरा फ्लाइट में अच्छे अच्छे होटल में, मुशायरा भी अच्छा हो गया, लेकिन मुशायरा खत्म हुआ हो तो पता चले कि ऑर्गेनाइजर भी गायब है और पेमेंट भी साथ में ले गया? देखिए, कवि सम्मेलन के प्रारंभ में या मुशायरे की शुरुआत में जी और अंत में चरित्र बदल जाते हैं, मित्र बदल जाते हैं, इत्र बदल जाते हैं, खुशबूएं चली जाती हैं। जब हम आएंगे तो रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे मालाएं लेके आएंगे, हाँ। और जब जाने का वक्त आएगा तो हम रिक्शा ढूंढना पड़ेगा। ये भी कितनी बार छोड़ गए हमें लावारिस। अच्छा, लेकिन आज एक बात बताऊं कपिल शर्मा जी, कि आपसे कोई खतरा नहीं है हमें। मैंने तो ऐसा भी देखा कपिल कि कवियों ने एक जीप किराए पे ली, खुली जीप। अच्छा जी। और साउंड सिस्टम किराए पे लिया। अच्छा जी। और पूरे शहर में घूमे, मोहनलाल तेली जी जहां कहीं हो आ जाएं, हम कवियों का अभी तक पारिश्रमिक नहीं मिला है, ये बात हम सरेआम पूरे शहर से कह रहे हैं। बाप रे, मोहनलाल तेली न निकले, हमारा तेल निकल गया। राज साहब, कुछ मजेदार हो जाए, बाहर बारिश हो रही है तो जरूर, जरूर। कुछ ऐसे ही एक दो शेर का आपकी लुक में से किसी ने कहा है कि पुराने शेर है मेरे, लेकिन हुक्म दिया है कि ये जरूर सुना दें। स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, इससे पहले ही आपको शुक्रिया अदा कर दूं। ये फकीर ने भी गजल कहने की कोशिश की है, उसके दो तीन शेर सुनाता हूं जी। सुनिए कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। आहा। कपिल, मैं ये शेर तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो, नजर करता हूं तुमसे। शुक्रिया। सुने कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्या बात है, वाह मेरे बेटे। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। एक छोटी सी गजल मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें भी एक लफ्ज़ आ रहा है जिसका मुझे बताना ज़रूरी समझता हूँ। इसमें एक लफ्ज़ है खसारा। खसारा कहते हैं घाटे को, नुकसान को। अच्छा जी। कहता हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके
तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा, मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। वाह वाह क्या बात है, वाह। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। अच्छा, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। हाँ हाँ क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। वाह, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। तब एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। अशोक भाई सुनिएगा शेर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। क्या बात है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूं के सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।